दोस्तों अगर आप भी रिंकू सिंह संजू सैमसन को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों संजू सैमसन ने धोनी की तरह खतरनाक छक्के जड़ डाले तो ऋतुराज गायकवाड़ ने भी ऐसी घातक बल्लेबाजी करी कि आयरलैंड की टीम के खिलाड़ी कांप उठे। दोनों की इस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, चौके व छक्कों का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, संजू सैमसन, ऋषभ पंत और केएल राहुल, इन तीनों में सबसे बेहतर खिलाड़ी और विकेटकीपर कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और आयरलैंड की टीम के बीच में आज से असल मायने में T20 सीरीज का आगाज हुआ है। पिछला मुकाबला तो हमने जीता ही था, लेकिन आज से आगाज इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पिछला मैच हमने भले ही जीता, लेकिन वो जीता DLS मेथड के तहत था, जिसमें चेज करते वक्त हमने बस 7 ओवर ही तो खेले थे, लेकिन इस बार मामला कुछ और था। दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बुमराह की किस्मत कितनी तेज है, कितना उनका साथ दे रही है, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि द विलेज के इसी स्टेडियम में जहां पर पिछला मैच खेला गया था, इस बार भले ही टॉस नहीं जीते, भले ही पहले गेंदबाजी नहीं आई, लेकिन उसके बाद मैदान में आकर भारतीय बल्लेबाजों ने आज कचूंबर निकाल कर रख दिया दोस्तों आयरलैंड की टीम के प्लेयर्स का। शुरुआती दौर में यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ आए थे और मानना पड़ेगा इनकी बल्लेबाजी के आगे आयरलैंड की टीम के खिलाड़ी कांपते हुए नजर आए। 200 रन लगाने का सिलसिला दूसरे ओवर से शुरू हुआ। जोशुआ लिटिल को पहले ऋतुराज गायकवाड़ ने पीटा, उसके बाद तो यशस्वी जायसवाल ने एक चौका और एक छक्का लगाकर इस ओवर का अंत किया। जायसवाल तो मानो रुके नहीं रहे थे, मकर्ती के एक ओवर में उन्होंने चौका जड़ा और फिर इसी ओवर में 11 गेंदों में 18 रन लगाकर 2 चौके एक छक्के के साथ यशस्वी जायसवाल की पारी पर फुल स्टॉप लग चुका था। दोस्तों इसके बाद आपको बता दें कि गायकवाड़ ने एक और चौका लगाया और बड़े संभलकर बल्लेबाजी करने लगे क्योंकि एक विकेट गिर चुका था। ऊपर से आते ही तिलक वर्मा इसी खिलाड़ी के हत्थे चढ़ गए, एक रन पर आउट हुए। अब सबको ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम के बाकी खिलाड़ी संभल कर खेलेंगे क्योंकि दोस्तों जलने के बाद तो छाछ भी फूंक कर पी जाती है, लेकिन नाम संजू सैमसन हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्या कुछ करने की काबिलियत रखते हैं, और वही आज संजू ने किया भी। दोस्तों संजू ने भी आते ही सबसे पहले जोशुआ लिटिल को पकड़ा। पारी के छठे ओवर की बात बता रहे हैं आपको, चौका जड़कर संजू ने अपनी पारी का स्वागतम किया था। इसके बाद गायकवाड़ ने भी कुछ एक चौके लगाए, लेकिन असली मजा आया पारी के 8वें ओवर में जब दोस्तों यंग नाम के गेंदबाज को गायकवाड़ ने बैक टू बैक 2 चौके लगाए। इसके बाद संजू सैमसन ने जोशुआ लिटिल, मार्क अदर नाम के खिलाड़ी को बैक टू बैक चौके जड़कर 1 छक्का भी जड़ दिया। ये हुआ पारी के 11वें ओवर में। दोस्तों इस ओवर के अंदर संजू सैमसन ने 2 चौके तो लगाए ही थे, साथ ही 5th गेंद पर संजू सैमसन ने ऐसा खतरनाक पुल शॉट खेला कि गेंद गोली की रफ्तार से सीधा दूसरे स्टैंड में जाकर गिरी और सीधा 6 में तब्दील हो गई। अब एक तरफ जहां हम आपको रन्स बता रहे हैं तो दूसरी तरफ इनकी पारी के आंकड़े भी तो सुन लीजिए। संजू ने 26 गेंद में 5 चौके एक छक्का लगाकर जहां 40 रन बनाए, तो ऋतुराज गायकवाड़ भी 36 गेंदों में ही 5 चौके लगाकर 45 रन बनाकर अपनी भारतीय क्रिकेट टीम को 13 ओवर में 108 के पार ले गए थे। दोस्तों इन दोनों खिलाड़ियों की रोंगटे खड़े कर देने वाली बल्लेबाजी ने आज वाकई में सबका दिल जीत लिया। लेकिन दोस्तों सबकी बल्लेबाजी एक तरफ और रिंकू सिंह का तूफान एक तरफ था आज मैदान में। आपको बता दें कि रिंकू सिंह ने तो एक ही ओवर में पूरे गेम को पलट कर रख दिया। वैसे रिंकू सिंह बड़ी शांत बल्लेबाजी कर रहे थे, 15 गेंदों में 15 रन ही आए थे, लेकिन जब मैकर्ती नाम के खिलाड़ी इनके सामने 19th ओवर में आए तो रिंकू का IPL रूप हमें देखने को मिला। हमारी टीम के बड़े से बड़े विकेट आज इसी गेंदबाज ने लिए, लेकिन इन्हें सबक 19वें ओवर में रिंकू ने सिखाया जब दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका जड़ा। इसके बाद तीसरी गेंद पर तो कुछ ऐसा हुआ कि अपनी आंखें मलते रह गए। दोस्तों रिंकू सिंह ने लॉन्ग ऑन की तरफ से इतनी जोर से शॉट खेला कि गेंद पलक झपकते गोली की रफ्तार से सीधा छक्के पे जा लगी। और दोस्तों इतना ही नहीं, इस ओवर की 4th गेंद पर एक और छक्का लगा। खौफ रिंकू का इतना ज्यादा हो गया था कि गेंदबाज बैक टू बैक 2 वाइड डाल चुका था। और जरा IPL के आंकड़ों को याद कर लीजिए क्योंकि रिंकू ने ऐसी बल्लेबाजी करी, 19 गेंदों में 32 रन, 2 चौके व 2 छक्के जड़कर टीम को 170 के करीब पहुंचा दिया था। दोस्तों रिंकू का तूफान अंतिम ओवर में भी जारी रहा और भारत लगभग 200 तक पहुंची गई थी। दोस्तों अगर आप भी रिंकू सिंह, शिवम दुबे और सैमसन को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों रिंकू सिंह ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि धोनी की तरह जाते जाते 4 गेंदों पे 4 ऐसे खतरनाक बैक टू बैक छक्के जड़े जिन्हें देखकर हर कोई दंग रह गया। रिंकू सिंह का वो अंतिम ओवर, उनकी सिक्सेस और बल्लेबाजी रिकॉर्ड का भी पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या रिंकू सिंह को अब वनडे में भी खिलाना चाहिए नहीं, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।
दोस्तों रिंकू सिंह का तूफान आईपीएल में सबने देखा और आज एक बार फिर से आयरलैंड के मैदान में यही तूफान हमें सबको देखने को मिला है। आपको बता दें कि पहला मुकाबला जीतने के बाद आज जंग छिड़ी है दूसरे मैच को जीतने की। वैसे तो इस बार टॉस बुमराह नहीं जीत पाए, लेकिन पहले हमें बल्लेबाजी का न्योता मिला जिसमें शुरुआत बहुत ज्यादा तगड़ी नहीं थी हमारी टीम की, लेकिन अंत कुछ ऐसा हुआ कि हर किसी की जबान पर रिंकू रिंकू का नाम है। दोस्तों सस्वी जायसवाल 18 पर आउट हो गए थे तो तिलक वर्मा 1 रन पर। भारत के लिए संकट के बादल छा गए, लेकिन फिर दो खिलाड़ियों ने डटकर बल्लेबाजी करी और पूरी तरीके से सारा भार ट्रांसफर कर दिया था आयरलैंड के कंधों पर। ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई का वो ब्लड लाइन है जो सक्सेसफुल बल्लेबाज कहलाते हैं। इसी सक्सेसफुल बल्लेबाजी को उन्होंने आज भी दिखाया व दर्शाया। उनकी काबिलियत कुछ ऐसी थी कि 6 चौके 1 छक्का लगाकर 43 गेंदों में 58 रन बनाकर गए। तो संजू सैमसन का तो क्या ही कहना, आज आलोचकों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए सैमसन ने भी 26 गेंदों में 5 चौके 1 छक्का जड़कर 40 रन बनाए। लेकिन दोस्तों अब भी भारतीय क्रिकेट टीम स्ट्रगल कर रही थी 200 तक पहुंचने में, यहां तक कि 150 भी बहुत मुश्किल से हम रैंक कर पहुंचे और रिंकू सिंह ने अभी तक मैदान में कुछ स्पेशल किया नहीं था। 15 गेंदों में इन जनाब ने अभी 15 रन ही लगाए थे, लेकिन अंतिम 2 ओवर्स में कुछ ऐसा हो गया जिसके लिए रिंकू का नाम और उनकी पहचान है। आईपीएल के वो 5 छक्के तो आपको याद होंगे, उन्हें ज्यादा वक्त नहीं हुआ। आज भी रिंकू ने थोड़ा कुछ वैसा ही करके दिखाया और इतना बढ़िया स्कोर बना दिया जो कि बाकी खिलाड़ी मिलकर भी नहीं बना पाए। हम बात कर रहे हैं पारी के 19वें ओवर की। दोस्तों मैकेथी नाम के खिलाड़ी गेंदबाजी कर रहे थे, ये वही खिलाड़ी हैं जो हमारी टीम के मुख्य विकेट लेकर गए। पहले तो इस ओवर की दूसरी गेंद पर रिंकू ने चौका जड़ा और अगली गेंद पर 6 लगाया। अब रिंकू का गुस्सा देखकर ये खिलाड़ी ऐसा डरा कि अगली 2 गेंदें वाइड डाली और फिर से छक्का खा कर गए। खैर इस 1 ओवर से 200 भारत को पूरे 22 रन मिल चुके थे, क्योंकि वैसे गेंदे तो 6 होती हैं, लेकिन इस ओवर में रिंकू के डर से गेंदे 8 डाली गई। लेकिन पारी के 20वें ओवर में यानी कि आखिरी ओवर में रिंकू सिंह ने कुछ ऐसा कमाल कर दिया कि उनके हेटर्स भी आज उनके फैन हो गए होंगे। सबसे पहले 220वें ओवर की पहली गेंद पर शिवम दुबे ने खतरनाक छक्का जड़ा और अगली गेंद पर भी युवराज सिंह के स्टाइल में मिड विकेट की तरफ से एक और 6 चढ़ दिया। 1 रन लिया अगली गेंद पर और जब रिंकू का मौका मिला तो भला वो कहां से पीछे हट सकते थे। दोस्तों रिंकू सिंह ने भी इस ओवर की 4थी गेंद पर टीप मिड विकेट की तरफ से खतरनाक शॉट खेलकर छक्का जड़ दिया और अपनी पारी के लगाए 3 छक्के व 2 चौके। 21 गेंद पर दोस्तों रिंकू फिर 38 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन रिंकू की पारी वाकई में लाजवाब थी। वैसे शिवम दुबे भी 16 गेंद में 22 रन बनाकर गए और इन दोनों ने कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तोड़ पारी खेली है। वो दोस्तों कैसे, आपको ये बता दें कि आज तक किसी भी एक खिलाड़ी ने ऑलमोस्ट 22 रन तो बनाए ही नहीं है आयरलैंड की टीम के अगेंस्ट पिछले 4 सालों में इस उम्र में, और रिंकू ऐसा करने वाले पहले भारतीय भी बन गए हैं। दोस्तों रिंकू सिंह मैदान में उतरे और उतरते ही रिकॉर्ड बना दिया। उनके शानदार सिक्सेस देखकर हर कोई बेहद खुश है, लेकिन आप सभी उनकी बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।